मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये अपने आप में कई मायनों में खास है। ये झांसी की नई लाइब्रेरी बनने जा रही है, जहां पहले एक पुरानी लाइब्रेरी थी उसे तोड़ के नया बनाया गया है। और देख सकते हैं ये बिल्डिंग इसलिए खास है क्योंकि दो मायनों में, एक तो ये एशिया की पहली नेट जीरो बिल्डिंग है और दूसरा सबसे तेज़ी से बनने वाली, मात्र 90 दिनों में बनकर बिल्डिंग तैयार हो गई थी। इस बिल्डिंग में जल्द ही लाइब्रेरी बनने वाली, जिसमें बेसमेंट में बुक शेल्फ्स होगा, एक कंप्यूटर लैब होगा, इसके अलावा चिल्ड्रंस बच्चों के लिए यहाँ पे रीडिंग सेक्शन होगा, कैजुअल रीडिंग रूम होगा और तमाम अन्य सुविधाएं से लैस ये बिल्डिंग होगी। सबसे खास बात इस बिल्डिंग की है कि इस बिल्डिंग अपनी इस्तेमाल की जाने वाली बिजली को खुद जनरेट करेगा। देख सकते हैं ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जहां वो बिजली को जनरेट करेगा। इसके साथ ही यहां एक विंड टरबाइन लगाया जाएगा जो भी बिजली जनरेट कर सकता है। इसके साथ ही यहां पर इसके बगल में ही एक एसटीपी प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे यहां से निकलने वाला वेस्ट भी वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक तरीके से ये बिल्डिंग जो आज के समय की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के समय और ग्लोबल वार्मिंग के ज़माने में जिस बिल्डिंग की ज़रूरत है कि कम से कम बिजली खपत हो, बिजली अपने आप जनरेट की जा सके, इन तमाम सुविधाओं से लैस होगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो हवा का सिस्टम है वो ऐसा है कि अगर बाहर का तापमान गर्म है तो अंदर बिल्डिंग ठंडी रहेगी और बाहर अगर ठंड है तो अंदर बिल्डिंग गर्म रहेगी। इस प्रकार की यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये बिल्डिंग मात्र 90 दिनों में स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक इस बिल्डिंग को पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद ये लाइब्रेरी एक बार फिर से पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। JDA और स्मार्ट सिटी द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है और ये बिल्डिंग जल्द ही लाइब्रेरी झांसी की जनता को मिलने जा रही है। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।